चीपेस्ट गेम पैड एवर। क्या सच में इतना चीपेस्ट? आज जानेंगे इस वाली वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएम यूरो गेम्स की तरफ से आने वाले इस वायर्ड गेम पैड की अनबॉक्सिंग और इसका कंप्लीट रिव्यू देंगे। और हम बात करेंगे कि चीपेस्ट होना इनफ है, गेम पैड बढ़िया भी होना चाहिए। तो तुम्हें कैजुअली एक गेम पैड चाहिए जिसमें तुम अच्छे से मस्त तरीके से गेमिंग कर सको और सस्ता भी हो। तो इस वाली वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिना स्किप करे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त युश, आप देख रहे हो अनबॉक्स टैग। चलिए गाइस डब्बे पे नजर मार ली जाए। दोस्तों आरपीएम यूरो गेम्स लिखा है यहाँ पे, हमारा गेम पैड छाप दिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है कि भाई ऑन कस्टमर डिमांड, ये वाले बटन्स ऐड कर दिए गए हैं। तो भाई ब्रांड तुम लोगों की सुनता है। तो ये वायर्ड गेम पैड कंट्रोलर है और वाइब्रेशन सॉफ्टवेयर को आप इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो डायरेक्ट डब्बा खोलते हैं और डब्बा खोलने के बाद हमें हमारा गेम पैड मिल जाता है इस घूंघट में पैक हुआ हुआ। और यहाँ मिलती है सिंगल पेपर की यूजर मैनुअल। तो इस पे कुछ कंट्रोल्स वगैरह लिखे हैं तो काम की चीज है भाई, फेंकने की जरूरत है नहीं हमें। तो अपने गेम पैड को बाहर निकालते हैं अपने घूंघट से। कुछ ऐसा सा हमारा गेम पैड आता है। यहाँ आप देख सकते हो कि भाई डिजाइन वगैरह कैसा है और इसका डिजाइन प्लेस्टेशन वाले कंसोल जैसा है। एंड यहाँ इसकी वायर की क्वालिटी यार आप देख सकते हो, मुझे तो काफी ज्यादा सही लगी एक गेम पैड के हिसाब से। और वायर मोटी भी है तो आई डोंट थिंक कि जल्दी से खराब होगी। तो मेरे हिसाब से 1.5 मीटर के आसपास होगी। तो मतलब लैपटॉप यहाँ है और तुम यहाँ बैठ के गेम खेलो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से खेल सकते हो। और इसकी एक खास चीज ये है कि जो इसके L2 और R2 के जो ट्रिगर्स है ना, वो एक महंगे गेम पैड जैसे हैं। मतलब नॉर्मली आप इस बजट में कोई और गेम पैड खरीदोगे तो उसमें हमें सिंपल बटन्स मिलते हैं, ट्रिगर्स नहीं मिलते। इसके अंदर ट्रिगर्स वाली शेप है तो ये काफी ज्यादा सही लगी मुझे। और बाकी हाथ में पकड़ने में ग्रिप वगैरह सब कुछ काफी ज्यादा सही है। यहाँ पर हमें प्लास्टिक ग्रिप्स है लेकिन इसे आप आराम से होल्ड कर सकते हो, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आती। और ऊपर की साइड जहां से वायर जा रही है यहाँ पर हमें ये चीज मिलती है। इससे क्या होता है कि ये जो वायर है ना वो इस गेम पैड से बाहर नहीं आएगी जल्दी से, इसको होल्ड करने के लिए ये चीज लगी हुई है, तो ये काफी तो सही चीज है। और यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और इसका जो सिलेक्ट होम और स्टार्ट बटन का जो लेआउट है वो मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी यूरो गेम्स की ब्रांडिंग कर दी गई है और सिलेक्ट बटन यहाँ पर है, होम बटन यहाँ पर और स्टार्ट बटन यहाँ पर दिया हुआ है। तो काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है और इनकी ब्रांडिंग भी घुस गई इसके अंदर, कमाल की बात है। और हमें ये वाले ट्रिगर्स भी रबराइज मिलते हैं तो यार ये काफी ज्यादा सही चीज है, क्योंकि इसे यहाँ पर होल्ड करना इसे काफी ज्यादा आसान हो जाता है, तो बढ़िया ग्रिप मेंटेन रहेगी तुम्हारी। तो गेम पैड का जो वेट है वो कुछ 170 ग्राम्स के आसपास है। और हाँ, अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर के बटन को ग्रे कर दो और बेल आइकन पे ऑल कर देना। तो गेम पैड है तो डायरेक्टली इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि गेमिंग में हमें इसके साथ कैसा लगा। तो गेम्स की बात करें तो मैंने इसके अंदर GTA 5 खेला था, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन वगैरह सारी चीजें एकदम बैलेंस तरीके से सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाती है। तो इस कंट्रोलर के अंदर हमें डुअल वाइब्रेशन का सपोर्ट मिलता है, तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आपको मस्त वाली वाइब्रेशन इसके अंदर मिल जाएगी। और जब मैं गेम खेल रहा था तो एक्सेलरेट करते वक्त, ब्रेक लगाते वक्त या फिर अगर गाड़ी ठुकती है तो हर जगह से हर तरह की वाइब्रेशन मुझे फील हो रही थी। प्राइसिंग के हिसाब से काफी ज्यादा सही फीडबैक था वाइब्रेशन का, जो कि जनरली हमें हर सस्ते गेम पैड में देखने को नहीं मिलता। तो गेमिंग के अंदर वाइब्रेशन वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह और हैंडलिंग वगैरह सब कुछ आपका आराम से मस्त तरीके से हो जाएगा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल काफी सही था। तो इससे आप विंडोज मोबाइल या फिर एंड्रॉइड टीवी सब पे गेम खेल सकते हो बड़े आराम से। अब एंड्रॉइड टीवी मेरे पास था नहीं, वरना मैं दिखा देता उस पे भी खेल के। और मोबाइल के लिए तुम्हें एक OTG यूज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बताऊं तो अगर आप काफी देर तक भी गेम करते हो तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पकड़ने में भी होल्ड करने में भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। तो अगर कंक्लूजन की बात करें कि क्या ये गेम पैड लेना वर्थ इट है इस प्राइसिंग में या फिर नहीं, तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सही था। तो मैं डेफिनेटली आपको ये वाला प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा कि अगर आप खरीदना चाहो एक सस्ता गेम पैड जिसमें आपके सारे गेम्स मस्त तरीके से खेल लो एक अच्छी तगड़ी वाइब्रेशन के साथ, तो ये वाला प्रोडक्ट आप ही के लिए है। खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के बाय करना तो कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतने, जो लोग भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं और जो लोग भी मजे लेने आए थे तुम तो भाई लाइक कर देना सीधा सीधा वीडियो को, बिना लाइक किए मत जाना। और अगर कोई नया देख रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर के बटन को जाके ग्रे कर दो, बेल आइकन पे ऑल कर दो और ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए अपडेट्स तुम्हें मिलते ही रहेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। सब कुछ कवर हो गया ना।